चैप्टर 3 एडिटिंग टेक्स्ट इन वर्ड 2013 वर्ड यू नो दैट वर्ड 2013 इज़ अ वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू टाइप एंड सेव स्टोरीज लेटर्स पोएम्स एक्सेट्रा। आप जानते हैं कि वर्ड 2013 है वो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, उसमें आप स्टोरीज लेटर और पोएम है वो टाइप भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू लर्न सम द बेसिक फीचर्स ऑफ 2013, हाउ टू स्टार्ट वर्ड 2013, आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं वो आपने जान लिया है। हाउ टू क्रिएट एंड सेव अ डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। हाउ टू ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट एंड हाउ टू चेंज द फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर ऑफ द पीसेस ऑफ टेक्स्ट। आप कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट है वो आप सेव कैसे कर सकते हैं, जो सेव किया है वो ओपन कैसे कर सकते हैं, और जो फॉन्ट की साइज है, जो फॉन्ट कलर है वो भी आप कैसे चेंज करते हैं वो। लेट अस क्विकली रिवाइज देम दिस एंड देन मूव फर्दर। नेक्स्ट यहाँ पे जो टेबल दिया गया हुआ है वो टेबल में आपको ये सारे फंक्शंस है वो आपको शॉर्टली में समझाया गया है। स्टार्टिंग वर्ड 2030, स्टार्ट मेनू में जाके ऑल प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2030 में जाके वर्ड 2013 को आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, क्लिक द फाइल टैब, आपको फाइल टैब पे क्लिक करके उसमें से क्लिक द न्यू ऑप्शन इन द लेफ्ट पैन, उसमें से न्यू ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ब्लैंक अकाउंट, उसमें ब्लैंक अकाउंट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा, और आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो डायरेक्टली आपका न्यू डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। सेविंग डॉक्यूमेंट, क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार और क्लिक द फाइल टैब, फाइल टैब में आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। इन द स्क्रीन दैट अपीयर क्लिक द सेव एज ऑप्शन द लेफ्ट पैन, इन द सेंटर पैन सिलेक्ट द लोकेशन एज कंप्यूटर, इन द राइट पैन क्लिक द ब्राउज द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब जब सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें उसके बाद सेंटर में जो कंप्यूटर होगा उसमें जो सारी फाइल है वो दिखाई देगी, और राइट पैन में जो ब्राउज है वो आप ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सेव का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन दिखे। सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द फाइल, टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स एंड क्लिक द सेव बटन। आपको लोकेशन है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिस जगह आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं वो अपनी फाइल को सेव करेंगे, उसके बाद आपको सेव बटन पर फाइल नेम दे के आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, और आप कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, क्लिक द फाइल टैब, नाउ क्लिक द ओपन ऑप्शन इन द लेफ्ट पैन ऑफ द स्क्रीन दैट अपीयर्स, फाइल टैब में जाके आपको ओपन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इन द सेंटर पैन सिलेक्ट द लोकेशन एज कंप्यूटर, इन द राइट पैन क्लिक ब्राउज द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर। आपको सेंटर डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंप्यूटर का लोकेशन है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें ब्राउज में जाके आपको जो भी आपकी फाइल है वो ओपन करनी पड़ेगी, तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सिलेक्ट द लोकेशन द फाइल एंड द क्लिक, आपको जो जिस जगह आपकी फाइल है सेव की हुई उस लोकेशन पे जाके आपको वो फाइल पे आपको ओपन क्लिक करना पड़ेगा तो आपकी फाइल है वो ओपन हो जाएगी। क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट, क्लिक द फाइल टैब, क्लिक द क्लोज बटन इन द लेफ्ट पैन, फाइल टैब में जाके आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है तो आपका डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। चेंजिंग फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर, सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक द होम टैब, इफ इट इज नॉट सिलेक्टेड इन द फॉन्ट ग्रुप चूज अ फॉन्ट साइज एंड ए कलर। आपको होम टैब में जाके आपको जो
जिस टेक्स्ट में आपको फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है या फिर फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करनी है उसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद होम टैब में जाके फ़ॉन्ट ग्रुप में जाके फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट कलर है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ वर्ड 2013 विंडो, जो 2013 विंडो है उसके पार्ट्स देख यहाँ पे दिखाए गए हैं। इन क्लास थ्री यू हैव लर्न द वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ड 2013 विंडो, दिस हैव बीन रिप्रोड्यूस इन फिगर 2.3.1 फॉर योर रिविजन। यहाँ पे देखिए अलग अलग पार्ट्स है, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, हेल्प, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, कोलैप्स द रिबन, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, फाइल टैब, रिबन, हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर, डॉक्यूमेंट विंडो, वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड जूम कंट्रोल। यहाँ पे जो अलग अलग मेनू है वो आपको दिखाए गए हैं और आपको पता भी है कि आपने अगले क्लास में है वो आपने देखा था, लर्न किया हुआ था इसलिए। डू यू रिमेंबर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एंड जूम कंट्रोल? लेट्स रिकॉल देम। आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है वो क्या है वो आपको याद है या यहाँ पे हम आपको दिखाई समझाएंगे। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इज अ स्मॉल आइकॉन दैट अपियर इन द सम ग्रुप। तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है वो क्या होगा, तो स्मॉल आइकॉन होगा जो हर एक ग्रुप में आपको दिखाई देगा। इट इफ वी क्लिक दिस आइकॉन अ डायलॉग बॉक्स ओपन रिलेटेड टू द ग्रुप। जब हम वो आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स है उसके जो रिलेटेड ग्रुप है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इट हैज़ मोर ऑप्शंस रिलेटेड टू द ग्रुप, इट हैज़ मोर ऑप्शन, यहाँ पे जो मोर ऑप्शन है वो जो उसके ग्रुप के रिलेटेड होगा वो दिखाई देगा। दैट यू कैन सिलेक्ट एज पर योर चॉइस, जब आप अपनी चॉइस का आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जूम कंट्रोल, द जूम कंट्रोल कैन बी यूज्ड बाय क्लिकिंग, होल्डिंग एंड ड्रैगिंग द स्लाइडर। जूमिंग कंट्रोल क्या है, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें उसको आप जूम करना चाहते हैं उसको, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको उस पर क्लिक कर सकते हैं, उस पर होल्डिंग कर सकते हैं, उसको होल्डिंग कर सकते हैं और उसको ड्रैगिंग जो जूम स्लाइडर है उसमें आप कर सकते हैं। द नंबर टू द राइट ऑफ द स्लाइडर बार रिफ्लेक्ट द जूम परसेंटेज। जो जूम स्लाइडर है उसके बाजू में जो उसमें उसके जूम के परसेंटेज है वो आपको रिफ्लेक्ट होगा, दिखाई देगा कि कितना जूम किया हुआ है वो। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, यू विल नोटिस अ न्यू बटन कॉल्ड रिबन डिस्प्ले ऑप्शन इन वर्ड 2013 विंडो। आप कोई भी न्यू बटन देखते हैं तो उसे कहते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन इन वर्ड 2013 विंडो। क्लिकिंग ऑन दिस बटन गिव यू ऑप्शन टू हाइड द रिबन, शो रिबन टैब ओनली एंड शो रिबन टैब एंड कमांड्स। आप उस जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि हाइड द रिबन, आप रिबन को हाइड करना चाहते हैं, शो रिबन टैब, जो रिबन के टैब है उसका आप शो करना चाहते हैं एंड शो रिबन टैब एंड कमांड्स। यहाँ पे जो शो रिबन है वो रिबन और उसके जो कमांड है वो भी आप शो करना चाहते हैं वो।